सीमा को लेकर होने वाला है एक बहुत बड़ा खुलासा। सीमा ने क्यों वैलेंटाइन डे पे सुंदरकांड का पाठ रखा, हनुमान चालीसा का पाठ रखा, और यहाँ तक खबरें मिल रही हैं यूट्यूब के माध्यम से कि सीमा अब किसी और के साथ भागने वाली है। हद है भाई, और इतना बड़ा खुलासा। तो आज मैं भी अपने वीडियो में कुछ बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा ही कुछ होने वाला है मेरे वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखकर ही आप कमेंट करिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या नहीं कहना चाहती हूँ, तो वीडियो पूरा देखें। नमस्कार YouTube फैमिली, मैं रितिमा राज स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरे तरफ से जय श्री राम, कैसे हो बताना वीडियो में। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सीमा को लेकर लोग जो हैं, देखिए मैं निष्पक्षता से बात करती हूँ, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करती, जो सत्य होता है मैं पहले उन सब चीज़ों को देखती हूँ, समझती हूँ और जानकारी लेने की कोशिश करती हूँ, और जब मुझे सच पता चल जाता है उसके बाद ही मैं कोई वीडियो लाती हूँ या अपनी बातों को आप तक पहुँचाने का प्रयास यूट्यूब के माध्यम से करती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ये देखा कि सीमा जो है, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि सीमा की 2-4 दिन अगर कोई वीडियो ना आए तो लोग उसे ये कह देते हैं, मैंने YouTube के माध्यम से ही जाना है, लोग उसे कह देते हैं कि वो किसी और के साथ भागी हुई है, या कह देते हैं कि सीमा को जेल हो गई। और जब कल सीमा ने वीडियो अपलोड करा, हालांकि हमने सीमा के वीडियो अपलोड करने से पहले ही लाइव रखा और ये सारी चीज़ें जानकारी आप लोगों को दे ही दी थी कि सीमा कल जो है वो अपने घर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है, तो मैंने एक दिन पहले ही ये जानकारी अपने लाइव के माध्यम से दी थी आप लोगों को। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैडम को ये सारी चीज़ें कैसे मालूम है, तो मैंने पहले ही बोला कि मैं पहले सत्य जानने की कोशिश करती हूँ और एक दिन आगे चलने की कोशिश करती हूँ कि कल होने वाला क्या है, उसके बाद ही मैं चीज़ों को समझती हूँ, उसके बाद आप लोगों के सामने अपनी वीडियो के माध्यम से बातों को रखती हूँ। तो मैं कोई झूठ नहीं फैलाना चाहती, ना किसी के बीच कोई डाउट क्रिएट करना चाहती हूँ कि लोगों को मेरी बातों से कोई डाउट हो, लोग मुझे झूठे समझें, और मैं खुलासे पर खुलासे करती रहूँ, ये सब भी मुझे नहीं करना, लेकिन जो सच है मैं अपने वीडियो के माध्यम से रखती हूँ और रखूँगी। तो सीमा ने कल वीडियो अपलोड किया और वैलेंटाइन डे पे उसने अपने घर में सुंदरकांड का पाठ किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। सीमा के वीडियो अपलोड करने से मात्र आधे घंटे पहले मैंने एक YouTube चैनल पर एक वीडियो देखा जिसमें ये कहा गया कि सीमा जो है वो किसी और के साथ, मतलब गंदे वर्ड के को लेकर किसी और के साथ भाग गई है। चलो मुझे समझ में आ गया, हो सकता है, डाउट है ये, मतलब ये क्लियर नहीं। उसके बाद आधे घंटे के बाद सीमा का लाइव आता है जिसमें वो पूजा पाठ करती दिखती है। आधे घंटे से पहले फिर मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ये कहा गया कि सीमा जेल में थी, सीमा जो है और एपी सिंह जी जो हैं वो जेल में बंद हैं, उन्हें सजा हो गई। आधे घंटे बाद सीमा की लाइव आती है और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इतना बड़ा मैं यही कहूँगी, देखिए हम सच रखें, जो सही है वो रखें, कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। कोर्ट इंसानियत को नहीं देखता, कोर्ट एविडेंस पे काम करता है, सबूतों के आधार पर कोर्ट जो है वो जजमेंट देता है। मेरी आपकी भावनाओं का वहाँ कोई महत्व नहीं है, कोर्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स देखता है, उसके बाद जो है वो अपने दोनों तरफ के एडवोकेट की बातों को सुनता है, और ये आम चीज़ है, सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि मतलब इस तरह का झूठ सच यूट्यूब पर फैलाना, मतलब कुछ चंद व्यूज और डॉलर की लालच में लोग जो हैं वो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और जब सीमा का लाइव आता है मुझे हैरान, मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ इन सब चीज़ों को देखकर कि लोग इतने चटकारे वाले जो हैं वो वीडियो कैसे बना लेते हैं, झूठ कैसे बना लेते हैं, जबकि सच सबको मालूम है कि क्या होगा क्या नहीं होने वाला है। और हम लोगों का निरंतर ये प्रयास है कि गुलाम भाई को उनके बच्चे मिले, हम भी चाहते हैं, लेकिन कोर्ट में जो होगा, जो भी फैसला आएगा वो हम सभी को मान्य होगा और मानना ही होगा, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ। अब मैं आती हूँ सीमा वाले टॉपिक पे कि सीमा ने जैसे ही कल लाइव रखा और उसने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का जो वो पाठ कर रही थी लाइव में, लाइव उसकी चल रही थी, और तुरंत मैंने किसी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो देखा कि सीमा जो है वो पूजा इसलिए कर रही है क्योंकि वो जेल से बाहर आ गई, उसकी बेल हो गई। हद है भाई, मतलब आप लोग खुलासे पर खुलासे, और थंबनेल तो भाई
थंबनेल तो आप लोग ऐसे लगाते हो जैसे कि वीडियो के अंदर सचमुच कोई बहुत बड़ा खुलासा होने वाला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस सिर्फ सभी लोग चूरन 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 बेच रहे हैं। खैर मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगी, आपकी अपनी सोच है, आप अपनी सोच के हिसाब से वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ झूठ सच मैं यही कहूँगी कि पहले सत्यता पर जाँच कर ले, सत्य क्या है नहीं है। इस तरह से हम किसी दूसरे की वीडियो देख कर, फिर किसी और की वीडियो देखकर और दोनों तरफ की वीडियो देखकर हम एक नया खुलासा कर दें तो ये गलत है। अब सीमा ने जब लाइव रखा उसके बाद ही तुरंत मैंने वीडियो देखा कि सीमा ने इसलिए पूजा पाठ कराई है क्योंकि वो बेल पर छूट गई। और एपी सिंह जी और सीमा का जो है वो जेल से बाहर आई और इस कारण जो है सीमा ने सुंदरकांड का पाठ किया। तो मुझे थोड़ा सा आप लोग ये बताओ कि कोर्ट है, कचहरी है, हमारा संविधान है, ये क्या कोई मजाक की चीज़ है? कि जेल है क्या वो आपका घर है कि आप आज जाओ और कल वापस निकल कर चले आओ? तो इस तरह के खुलासे पर खुलासे आप लोग करते हो, मतलब झूठ पर झूठ। और मैं यहाँ निष्पक्ष रूप से बात कर रही हूँ, ना मैं सीमा की तरफ हूँ ना मैं गुलाम भाई के तरफ हूँ, लेकिन हाँ एक इंसान होने के नाते मैं भी चाहती हूँ, हम सभी चाहते हैं कि गुलाम भाई को उनके बच्चे मिले। एक इंसानियत होने के नाते मैं भी चाह रही हूँ कि गुलाम भाई को उनके बच्चे मिले। और अभी मैं बता दूं अपने वीडियो में कि एपी सिंह जी को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि जो मलिक साहब हैं वो गुलाम भाई के तरफ से अपना पिटीशन दायर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देख रही हूँ कि मतलब लोग जो हैं वो कितना क्या बोलूँ खुलासे पर खुलासे करते आ रहे हैं, ये सोचकर मुझे मतलब देखिए जब सच जान लो उसके बाद कुछ बोलो तो थोड़ा मज़ा भी आता है सुनने में कि चलो ऐसा हो रहा है, खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं तो सच हो रहा है। और जहाँ तक एपी सिंह की बात है, एपी सिंह को ये मालूम ही नहीं है कि गुलाम भाई की तरफ से भी कोई मलिक साहब जो है वो उनका पिटीशन दायर करने वाले हैं। हालांकि अभी कोई वकालतनामा पर साइन नहीं हुआ, कोई प्रक्रियाएं कोई प्रोसीडिंग जो भी होती है पिटीशन दायर करने से पहले, अगर हम अपने मुवक्किल के लिए कोर्ट में जाते हैं तो पहले दिन जब हमारा अपने मुवक्किल के लिए हम मूव करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारे पिटीशन तैयार होते हैं, फिर वकालतनामा पर मेरा साइन होता है, मान के चलो मैं एडवोकेट हूँ तो मेरा साइन होगा, मेरे क्लाइंट का साइन होगा, सारे साक्ष्य होंगे, उसके बाद हम कोर्ट में अपने मुवक्किल के लिए लड़ाइयाँ लड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस शायद मुझे लगता है कि बातचीत हुई है, अभी कोई वकालतनामा पर साइन नहीं हुआ है कि मैं उनके पक्ष से जो है केस लड़ूंगा या ऐसा कुछ है। तो यहाँ तक बात हो गई कि अब जो है एपी सिंह को मार के भगा दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। अरे भाई कोर्ट जो है वो हर अपराधी को एक एडवोकेट हायर करने का मौका देता है, चाहे वो अपराधी है या नहीं है ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ना हम करेंगे ना आप कर सकते हो। कोर्ट जो है वो दोनों को एक एक एडवोकेट हायर करने का मौका देता है ताकि लोग जो है अपनी बातों को कोर्ट, हमारा संविधान अगर कोई अपराधी है तो उसे भी अपनी बातों को कोर्ट में रखने का मौका देता है। अब आने वाले दिनों में अगर मलिक साहब आते हैं गुलाम भाई के लिए खड़े होते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े होते हैं, और इधर से भाई हमारे एपी भैया एपी सिंह जी हैं ही सीमा के लिए, तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि किस तरह से दोनों अपने अपने पक्षकारों को बचाव में किन तरह के पैतरों को अपनाते हैं, क्या लीगल प्रोसीडिंग है, कैसे वो अपने अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने की बात करते हैं। क्योंकि हर एडवोकेट साम दाम दंड भेद हर कुछ लगा देता है अपने मुवक्किल को जिताने के लिए। अब वो झूठा है सच्चा है, वो चोर है नहीं है, ये प्रमाणित कोई एडवोकेट नहीं कर सकता, ये प्रमाण कोर्ट को करना होगा कि सचमुच इसने चोरी करा है या नहीं किया है, क्योंकि हम सबूतों के आधार पर अपने पक्षकार को लेकर कोर्ट में खड़े होते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है कि सीमा कुछ दिन दिख नहीं रही थी तो लोगों का कहना था सीमा और एपी सिंह को जेल हो गई, जब सीमा ने लाइव रखा और सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करा तो कुछ चैनलों पर मैंने ये भी देखा कि वो लोग कह रहे हैं कि जेल से निकल कर आ गई दोनों आ गए और इसलिए इन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की, सुंदरकांड का पाठ करा है। तो भाई कोर्ट कचहरी कोई मजाक नहीं है, जेल हमारा घर नहीं है कि हम आज गए और कल वापस निकल कर चले आए। तो इस तरह का झूठ सच मैं सभी से कहूँगी कि ना फैलाएं, और जो भी होना है कानूनी प्रक्रियाएं हैं, वक्त लगेगा, और गुलाम भाई के लिए हम सभी खड़े हैं, पाकिस्तान से भी कुछ लोग खड़े हैं और हिंदुस्तान से भी कुछ लोग खड़े हैं, ऐसा नहीं है, हम सभी चाहते हैं कि एक पिता को उनके बच्चे मिले। लेकिन कहीं ना कहीं गुलाम भाई को भी लोग जो है वो गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने के कारण ही है जो आज इतना वक्त लग गया उनको वहाँ तक पहुँचने में। अगर जो भी लोग संविधान को समझते हैं जानते हैं और अच्छी जानकारी रखते हैं तो वो फैक्ट की बातें करेंगे, ना कि झूठ सच अपने चैनल पर फैलाएंगे।
और यहाँ तक बात हुई कि सीमा ने मार खाया, ये किया वो किया, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सीमा को किसी ने मारा नहीं है। और मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है देखकर कि आप लोग कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तानियों का नाम खराब करने में लगे हुए हैं। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो क्यों इस तरह के खुलासे पर खुलासे करना भाई। पहले सत्यता को जान लो कि सचमुच क्या सीमा को मारपिटाई लगी है। जब उसके घर के बाहर पुलिस बल तैनात है, सीमा घर में कैद है, उसके बावजूद अगर सीमा पर हमला होता है या फिर उसको सचिन के द्वारा ही, चलो मैंने आपकी बात मान ली कि उसे मारा पीटा जाता है, तो बाहर जो खड़े हैं तैनात हैं जो सीमा की सुरक्षा के लिए, सीमा पर नज़र रखने के लिए, क्या उनको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देगी कि सीमा के घर के अंदर में सीमा की पिटाई हो रही है सचिन के साथ, सचिन उसको मार रहा है? या फिर सीमा खुद अपने वीडियो में नहीं बोलेगी या फिर कुछ ऐसा नहीं करेगी, कोई भी औरत मार खा के बर्दाश्त कर लेगी? ये बताओ आप लोग मुझे। गुलाम भाई ने मारा नहीं मारा, वो यहाँ पर तो आकर कह रही है कि बहुत मारा जाता था, बहुत मार पिटाई होती थी, ये होती थी वो होती थी, तो जब वो सीमा गुलाम भाई की नहीं हुई तो ये मार खाने के बाद सचिन की हो जाएगी? तो इस तरह का मैं यही कहूँगी कि झूठ सच जो है वो ना फैलाया जाए कि सीमा अगर नज़र नहीं आती तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। और देखिए मैं सीमा के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये बात आप लोग कान खोलकर थोड़ा सुन लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो को सुनने के बाद जो है लोग, पता नहीं यहाँ पर वीडियो बनाओ तो लोग जो है सच को जानने के बजाय अपने मन में सोच लेते हैं हाँ ऐसा ऐसा हुआ और उस आपने वीडियो बना दिया। और अगर आपको कोई जानकारी देना चाहे और अगर लोग सच आपको बताना चाहें तो आप सुनना नहीं चाहोगे, और जो सच बोल रहा है जिनको जानकारी है तो आप उन्हें टारगेट करने लगते हो, गाली गलौज करने लगते हो। तो खैर ये आपकी मानसिकता है, आपकी सोच है, आपकी जुबान है और आपका यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर कुछ नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन जहाँ तक बात है मलिक साहब की, तो मलिक साहब ने अभी कोई वकालतनामे पर साइन नहीं किया है और ये एपी सिंह जी ने बताया है कि उन्हें बिल्कुल भी ये जानकारी नहीं है। और एक और चीज़ मुझे ये भी मालूम हुई है कि अभी और भी पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया आने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये सोच रही हूँ कि इंडिया में भाई कोई नौकरी की वैकेंसी निकली है क्या कि और भी पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया आएंगे? नौकरी की तलाश में आना है या इंडिया में भ्रमण करने के लिए आना है, घूमने के लिए आना है, ये भी थोड़ा हमें बता देना। जो लोग ये कह रहे हैं कि और भी पाकिस्तानी अभी इंडिया आएंगे तो यहाँ कोई नौकरी की वैकेंसी निकली है कि आपको नौकरी लेने आना है, वहाँ आप भूखे मर रहे हो, मतलब इस तरह का झूठ सच मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब मैं सच जान लेती हूँ ना तो मुझे झूठ बोलना, वीडियो के माध्यम से लोगों को गुमराह करना, मुझे अपने आप में बहुत बुरा लगता है, गिल्टी फील होता है कि भाई मैं जब सच जान चुकी हूँ तो मैं क्यों अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को भ्रमित करूँ या भ्रम फैलाऊँ, झूठ पर झूठ, खुलासे पर खुलासे करती आऊँ। तो मुझे ये अच्छी, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और हम भी चाह रहे हैं भाई कि गुलाम भाई को उनके बच्चे मिले, लेकिन एक बात फैक्ट की बात है कि कोर्ट जो है वो भावनाओं पर नहीं जाता, कोर्ट जो है वो इंसानियत की बातें नहीं करता, कोर्ट है वो एविडेंस के आधार पर काम करता है। और दोनों जो एपी सिंह जी हैं और मलिक साहब अगर आते हैं तो दोनों अपने अपने पक्षकारों, दोनों एडवोकेट एपी सिंह जी और मलिक साहब जो हैं वो दोनों अपने अपने मुवक्किलों के लिए, पक्षकारों के लिए मजबूत आधार रखेंगे ताकि सीमा को भी न्याय मिल सके और गुलाम भाई को भी न्याय मिल सके। क्योंकि गुलाम भाई के तरफ से मलिक साहब होंगे और सीमा के तरफ से एपी सिंह जी होंगे, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खुलासा होगा, वो इन दोनों के माध्यम से होगा, ना कि हम यूट्यूबरों के माध्यम से, जिस तरह से लोग यूट्यूब पर झूठ सच्चे खबरें चला रहे हैं ना। तो देखिए मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सबकी बातों को सुनती हूँ और अपनी बातों को भी रखना जानती हूँ और रखती भी हूँ। तो इस तरह से झूठ सच मैं यही कहूँगी कि देखिए वहाँ के चैनल वाले भी बोलते हैं कि हम लोगों को जानकारियाँ मिली हैं, तो मैं आप सभी से एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप लोग जानकारी देते हो, पहली बात जानकारी देना गलत है, यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचाना ये गलत है, और अगर आप झूठ भी उनको बोल रहे हो तो ये भी गलत है। और अभी सूर्य वर्मा जी ने मेरी लाइव में भी आकर बोला कि वो सारी प्रोसीडिंग जो है प्रक्रियाएं पूरी करवाएंगे और गुलाम भाई को न्याय दिलवाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि गुलाम भाई को उनके बच्चे मिले। लेकिन फैसला करना किसको है? कोई यूट्यूबर फैसला करेगा बताओ? कोई वीडियो फैसला कर सकता है या कोई न्यूज़ चैनल वाले फैसला कर सकते हैं? नहीं, फैसला कहाँ होना है? हमारी अदालत में, हमारे संविधान के द्वारा ही फैसला होना है। हमारी सरकार भी अब
अगर चाहे तो कर सकती है, लेकिन अब जब मामला कोर्ट में जा चुका है तो कोर्ट ही फैसला करेगा कि गुलाम भाई को उनके बच्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये डाउट है। सीमा यहाँ से जाएगी नहीं जाएगी, हम सभी चाहते हैं कि सीमा अपने बच्चों सहित सुरक्षित पाकिस्तान चली जाए, गुलाम भाई के पास चली जाए, हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं। लेकिन मेरे आपके या कोई यूट्यूबर के चाहने से कुछ भी होने वाला नहीं है, जो भी होगा वो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई थाली है जिसमें दाल चावल रखा हुआ है हमें ऐसे मिक्स करना है और खा लेना है, ये तो है नहीं, कानूनी प्रक्रियाएं हैं। और जो लोग दावे कर रहे हैं बड़े बड़े कि ये 2 महीने में 2-4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा और गुलाम भाई को उनके बच्चे जो है मिल जाएंगे और वो चले जाएंगे, तो ये दावे लोग करते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता, इसलिए क्योंकि हमारा संविधान बहुत कुछ देखने जांचने परखने के बाद ही कोई फैसला लेता है, तो समय लगेगा। हालांकि गुलाम भाई ने काफ़ी देर कर दिया है, उन्होंने मतलब सच्ची राह उनको भी दिखाने वाला कोई बंदा कोई व्यक्ति नहीं था। अगर उन्हें भी सही रास्ता दिखाया जाता ना, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, वो एक सामान्य इंसान थे जो काम काज करके अपने घर परिवार का लालन पालन कर रहे थे, और सीमा इस तरह से अचानक उनको धोखा देकर चली जाएगी। सीमा ने एक काम किया है इनलीगल आने का, इनलीगल तरीके से उसने भारत में एंट्री मारी है, तो सीमा को सज़ा होना है। लेकिन बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बच्चों को भी आने वाले दिनों में बच्चों की भी बातों को सुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे चिल्लाने से, और भाई मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग इतना चिल्ला रहे हैं, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स के बारे में ही मैं बोलूँगी, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं मानो कि वो ही अपने आप में कोर्ट हों, जज हों, वकील हों। अरे भाई, कोर्ट की पहले प्रोसीडिंग को समझो, कोर्ट हमारा कैसे फैसला लेता है। एपी सिंह जी, मलिक साहब जब आमने सामने होंगे तो दोनों अपने पक्षकार को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, दोनों के पास मजबूत आधार होगा, दोनों के पास मजबूत सबूत होगा, एविडेंस होगा, उसके बाद जो है कोर्ट फैसला करेगी कि बच्चे कहाँ जाएंगे, सीमा कहाँ जाएगी नहीं जाएगी। बस हम लोग यूट्यूब पर झूठ सच, मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जो सही चीज़ है वो अपने वीडियो के माध्यम से रखें, किसी को भी गुमराह ना करें। क्योंकि देखिए, वीडियो जब देखते हैं ना लोग, तो उनको भी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ के ये मामले होते हैं, जहाँ ये अपराध हुआ होता है। कुछ लोग यूट्यूब के माध्यम से भी सत्य को जानने का कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम अपने वीडियो के माध्यम से झूठ बोलें या झूठ फैलाएं, लोगों के बीच कहें कि मैंने बहुत बड़ा खुलासा किया, ये किया वो किया, तो कुछ लोग, मैं सभी के बारे में नहीं कह रही, कि कुछ लोग वैसे हैं जो यूट्यूब पर मात्र सिर्फ व्यूज और डॉलर की लालच में अपने चैनल पर झूठ के खुलासे कर रहे हैं, सच कुछ नहीं है, झूठ के खुलासे कर रहे हैं। तो वैसे लोगों से मैं कहूँगी कि सावधान रहें, और वैसे लोगों का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप उनको मना करने की कोशिश करते हो या मैं मना करने की कोशिश करती हूँ कि पहले आप सच को जान लो, तब वीडियो बनाओ, तब अपनी बातों को रखो, तो लोग जो हैं वो आप ही को टारगेट करने लगेंगे, उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। लेकिन जो अच्छे वेल एजुकेटेड लोग हैं, मैं उनसे कहूँगी कि सत्यता को जानो, फैक्ट को जानो, हमारे लीगल प्रोसीडिंग क्या है, हमारा संविधान क्या कहता है, थोड़ा सा बुक वगैरह भी पढ़ें। मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा बुक वगैरह पढ़ें, आईपीसी, सीआरपीसी, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पढ़ने की ज़रूरत है। हमारा संविधान क्या कहता है, जब हम कोर्ट में किसी के पक्ष के लिए खड़े होते हैं ना, तो हमें पहले किताबें पढ़नी होती है, उसके बाद हम कोर्ट में अपने पक्षकार के लिए एक मजबूत आधार रखते हैं। पर कुछ यूट्यूबरों को क्या बोलूँ, मुझे हंसी भी आती है, और कुछ की वीडियो देखकर तो मैं सचमुच काफ़ी हंसती हूँ कि भाई सचमुच इसने कितना बड़ा खुलासा कर दिया, और झूठ का खुलासा, मतलब मुझे भी देखकर ना काफ़ी सचमुच हंसी आती है, और मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि भाई ये इतने सारे खुलासे लाते कहाँ से हैं। और हर वीडियो में उनका थंबनेल होता है एक नया खुलासा, एक नया खुलासा, एक नया खुलासा। सचमुच बताना मुझे कि आप लोग सचमुच खुलासे पर खुलासे करते हो, और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी भ्रमित करते हो, भ्रम फैलाते हो, खुद तो भ्रम में रहते हो, लोगों में भी भ्रम फैलाते हो। तो खैर, ये आपकी सोच है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगी। और आने वाले दिनों में मैंने पहले भी बोला है कि कानून पर विश्वास रखें, और गुलाम भाई हम सभी लोग आपके साथ हैं, और हम लोग तो चाहते हैं कि सीमा अपने बच्चों सहित आपके पास जाए, सिर्फ बच्चे ही नहीं, सीमा भी यहाँ से जानी चाहिए। लेकिन फैसला किसको करना है, कोर्ट को करना है। पक्षकार कौन है, सीमा और गुलाम भाई। अब उनके लिए मजबूत आधार कौन रखेंगे कोर्ट में, तो एपी सिंह जी, और अगर मलिक साहब आते हैं तो मलिक साहब।
दोनों आमने सामने होंगे और आने वाले समय में वही हमें एक खुलासा मिलेगा। तो मैं यही कहूंगी कि कानून पर विश्वास रखें, कोई इंडिया पाकिस्तान ना हो, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ। कोई जाति धर्म की बात ना हो, कोई किसी संप्रदाय की बात ना हो, कोई हिंदू मुसलमान ना हो, इंडिया पाकिस्तान ना हो, बस अगर आप इंसानियत के नाते गुलाम भाई के लिए सच में अगर दिल से खड़े हो रहे हो तो इस तरह के झूठ पर झूठ ना फैलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुलाम भाई का केस पे असर पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें भी सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। अगर उन्हें सही रास्ता दिखाया जाता, सही जानकारी होती, तो आज गुलाम भाई का जो मामला इतना लंबा खिंच गया, 8-9 महीने बीत गए कुछ लोगों के चक्कर में, तो ये नहीं होता। कब के गुलाम भाई इंडिया में आए होते हैं और अपने पक्ष रखने के लिए एक अच्छा एडवोकेट वो हायर कर पाते, लेकिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, अपने चैनल को चलाने के लिए, मैं सभी को नहीं बोल रही, ऐसा नहीं कोई भी अन्यथा ले लेना, पर कुछ लोग अपने चैनल को चलाने के लिए गुलाम भाई का भरपूर इस्तेमाल किया उन्होंने। और यहाँ से कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ जाता है न्यूज, तो भाई उनकी गलती नहीं है, गलती हमारे इंडिया के लोगों की है। पहली बात तो आप लोगों को कोई भी खबर वहाँ पहुँचानी नहीं चाहिए, और अगर आप खबर पहुँचा भी रहे हो तो झूठी खबरें क्यों? और जब वो लोग अपनी वीडियो के माध्यम से बातों को रखते हैं तो आप लोग यहाँ से चिल्लाने लगते हो कि ये झूठ बोल रहा है, तनवीर झूठ बोल रहा है, तो अरशद झूठ बोल रहा है, तो ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। पहली बात तो आप उनको खबरें मत दो, खबरें देते हो तो सही चीज़ दो ना, झूठ क्यों? कहीं ना कहीं हम इंडियंस का भी नाम खराब होता है ना, कि यहाँ के लोग झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं और बड़े बड़े खुलासे और दावे करने की बात भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की वीडियो देखती हूँ ना मैं, सचमुच बता रही हूँ, इंटरटेनमेंट मेरा भी कुछ टाइम हो जाता है जब मैं यूट्यूब चलाती हूँ, बस और कुछ नहीं। वो लोग कोई खुलासे नहीं करते, कोई सत्य नहीं रखते, कोई फैक्ट की बातें नहीं रखते। और मैं यही कहूँगी कि जो भी होना है वो कोर्ट के माध्यम से ही होगा। कोई यूट्यूबर लाख कोशिश कर ले, दावे कर ले कि मैं गुलाम भाई को उनके बच्चे दिलवा दूंगा या दिलवा दिया या दिलवा देने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी होगा कोर्ट में होगा। और अगर मलिक साहब आते हैं, अभी उन्होंने कोई वकालतनामा साइन नहीं किया है, अगर वो आते हैं तो एपी सिंह जी और मलिक साहब आमने सामने होंगे और फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगा। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को रखती हूँ, मैं किसी के लिए चाटुकारिता नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मैं गुलाम भाई को भी भ्रम में रखूं कि भाई मैं आपके बच्चे आप तक पहुंचा दूंगी, ऐसा नहीं है। हाँ, एक इंसान होने के नाते मैं भी उनकी भावनाओं को समझती हूं, उनके बच्चों के प्रति जो प्यार है उनको समझती हूं, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर सकती, जैसे अभी कुछ यूट्यूबर कर रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, लीगल ये चीज़ है वो चीज़ है, पर कानून से हाथ हमारे बंधे हैं, हम दिखा नहीं सकते, जबकि उनके पास रत्ती भर कुछ नहीं है। कुछ लोगों के पास होगा, मैं ये भी नहीं कह रही, लेकिन रत्ती भर कुछ नहीं है। और मैंने भी ये काफ़ी चीज़ें पहले जांच ली, पड़ताल कर ली, कुछ चीज़ें अपने पास रख ली, उसके बाद मैंने आज ये वीडियो बनाया, क्योंकि ज़रूरी है लोगों को जागरूक करने की। और जो लोग दावे पर दावे कर रहे हैं, खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं, तो सच का साथ दें, झूठ सच ना फैलाएं। मैं सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगी, शायद मेरी बातें किसी को चुभती भी है तो खैर उनका कोई मैं इलाज नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, वो अपना इलाज खुद कर सकते हैं, अपने दिमाग को समझाकर, अपने मन को समझाकर। क्योंकि मैं जब सच जान चुकी हूँ ना, मैं जब सच जानती हूँ, तब मुझे अपने वीडियो में झूठ बोलना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं अपने आप के साथ ही धोखा कर रही हूँ। और गुलाम भाई, मैं आपसे कहूँगी कि हम सभी आपके साथ हैं, हम अपनी बातों को मजबूत करें और इतना मजबूत करें कि गुलाम भाई को उनके बच्चे मिले। बाकी जो भी होगा कोर्ट के आधार पर होना है, कोर्ट फैसला जो भी लेगी वो सभी को मानना होगा, सर्वोपरि होगा। तो झूठ सच ना फैलाएं। और आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, मैं एक बार और कहूँगी कि कोई भी लोग कानून को हाथ में लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें, इंडिया पाकिस्तान ना करें, हिंदू मुसलमान ना करें। यूट्यूब है और इंसानियत, सोशल मीडिया है, इंसानियत की बात हम रख सकते हैं तो इंसानियत की बात हम रख सकते हैं और रख रहे हैं और रखें, लेकिन झूठ ना फैलाएं। कहीं ना कहीं इस पर गुलाम भाई का केस जो है कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे गड़बड़ा सकता है, उनके केस पर असर पड़ सकता है। तो आप लोग अगर सचमुच दिल से चाहते हो कि गुलाम भाई को उनके बच्चे मिले, तो सच रखो, सत्यता को जानो परखो, उसके बाद वीडियो बनाओ। बाकी आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ नया आता है, नया खुलासा कुछ होता है, तो मैं भी सीमा के लिए वीडियो लाऊंगी। और अगर कुछ भी नहीं है तो भाई चूरन बेचने से कोई फ़ायदा नहीं है,
इससे सिर्फ यही होगा कि मेरे कुछ चंद व्यूज बढ़ जाएंगे, कुछ चंद डॉलर बढ़ जाएंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेईमानी होगी। मैं अपने आप के साथ धोखा करूंगी कि मैंने ये सच जाना, उसके बाद भी मैंने झूठ लोगों को बोला वीडियो में। तो मैं ये नहीं कर सकती, और मैं भी चाहती हूँ कि गुलाम भाई को उनके बच्चे मिले, बाकी जो होना है वो कोर्ट के आधार पर होगा। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो जय श्री राम, जय हिंद।